हेलो स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 8 द वर्कर इंग्लिश पाथवे क्लास 6 का एक्सप्लेनेशन करवा दिया है जो आपको आई बटन पे मिल जाएगा। एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। टिक द करेक्ट। विदाउट डैश वी वुड ऑल डाई वेरी सून। हम मर जाएंगे बिना किसके, बिना वर्क के, बिना बिना काम के। डैश ग्रो क्रॉप। कौन क्रॉप ग्रो करता है? फार्मर। द डैश क्योर हस। कौन अपना इलाज करता है? डॉक्टर। डैश डैश द डैश फाइट फॉर यू। कौन फाइट करता है अपने लिए? सोल्जर। डैश सेल थिंग ऑन हिज काउंटर। कौन काउंटर से बेचता है सामान? शॉपकीपर। बट वी कैन से दैट फार्मर। उन्हें अपन क्या कह सकते हैं? फार्मर कह सकते हैं। यू कैन नॉट हैव एनी थिंग आउट ऑफ नथिंग। तुम्हें कुछ भी नहीं मिल सकता अगर कुछ नहीं निकालोगे तो। निकाल। दे सिंप्लाई गिव यू द हेल्प दैट यू नीड। वो तुम्हें सिंपली देते हैं, क्या देते हैं? मदद करते हैं जो तुम्हें ज़रूरत होती है जिस चीज़ की। सो द बेस्ट नेम फॉर दिस सेट ऑफ वर्कर इज हेल्पर। हमें बेस्ट नेम्स क्या? वर्कर का नाम हमें हेल्पर रखना चाहिए। दे बाय द थिंग। वो चीज़ें खरीदते हैं यू वॉन्ट इन यूर हैंड। और तुम चाहते हो कि वो तुम्हें अपने हाथ में दें। क्वेश्चन आंसर। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हु आर कल्टिवेटर। कल्टिवेटर कौन है? कल्टिवेटर आर दोस्त। कल्टिवेटर वो होते हैं हु टेक केयर ऑफ फील्ड, जो खेती का ख्याल रखते हैं। एंड ग्रो क्रॉप, और जो क्रॉप को ग्रो करते हैं, अनाज उगाते हैं। हु सेकंड वाला हु डिग थिंग आउट ऑफ द ग्राउंड। ग्राउंड में कौन खुदाई करता है? खुदा माइनर आर डिग थिंग। जो माइनर्स रहते हैं वो खुदाई करके निकालते हैं थिंग आउट, थिंग को बाहर निकालते हैं आउट ऑफ द ग्राउंड, ग्राउंड से। नेम एनी 4 आयरन माइंस। 4 आयरन माइंस के नाम बता। झारखंड, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश आर द आयरन माइंस। हु आर वर्कर। वर्कर कौन है? वर्कर आर दोज। वर्कर वो होते हैं हु डू देयर वर्क, जो अपना काम करते हैं। ऑल दो चाहे वो टीचर हो, फार्मर हो, डॉक्टर हो, लेबर हो, या वो टीचर हो, या तो वो किसान हो, या डॉक्टर हो, या मजदूर हो, एक्सेट्रा, जो अपना काम करते हैं वो सब वर्कर होते हैं। हु आर नोन एज मूवर। मूवर किससे जाने जाते हैं? मूवर आर दोस्त। मूवर वो होते हैं हु सप्लाई थिंग, जो चीज़ें सप्लाई करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह। फिल इन द ब्लैंक्स टेबल इन प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में क्या होता है? इज एम आर लगेगा और प्लस वर्ब के साथ, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी। तो गीता इज फर्स्ट फॉर्म क्या होगी? सिंग और आई एन जी, सिंगिंग आ स्वीट सॉन्ग। माय फादर, अब माय फादर भी एक इंसान की बात कर रहे हैं तो इज होगा। फिर लीविंग, लीविंग तो लीव है, LLEAVE होता है तो ING लग गया, लीविंग फॉर रशिया नेक्स्ट वीक। वी आर, अब वी आर यानी हम यानी बहुत सारे लोग, तो क्या लगेगा? आर। वी आर ज्वाइनिंग, ज्वाइन का ज्वाइनिंग हो गया ING, द पार्टी टुमारो। हम ज्वाइन करेंगे कल पार्टी, हम जा रहे हैं पार्टी में कल। यू आर नॉट वर्किंग हार्ड दिस डे। तुम मेहनत नहीं कर रहे हो इन दिनों में। इट इज़ रेनिंग हैवीली, बहुत ही बारिश हो रही है, बहुत तेज़ी से बारिश हो रही है। शी इज़ लर्निंग हर लेसन, वो अपना लेसन पढ़ रही है। अब इसमें क्या करना है? कंपेरेटिव सुपरलेटिव डिग्री स्टार्ट करना है, मतलब कंपेयर करना है। यू आर टॉलर देन हर फ्रेंड। तुम्हारे फ्रेंड से लंबे हो। हनी इज़ स्वीटेस्ट देन मिल्क, मिल्क से हनी मीठा होता है। फरवरी हैज़ फ्यूअर FEWER फ्यूअर डेज देन जनवरी। जनवरी से फरवरी में कम दिन होते हैं तो FEWER। स्वीटेस्ट भी देख लो, टॉलर भी। अमेरिका इज द रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। रिचेस्ट EST लग गया रिच के साथ। द ताजमहल इज मोर ब्यूटिफुल देन अदर एनी अदर। कोई भी बिल्डिंग से ताजमहल ज़्यादा ब्यूटिफुल होता है।
द बस गोस, जो बस है वो जाती है, अब सही वर्ब लगाना है, ऑल बसेस गो, सारी बसेस जाती हैं, तो ज़्यादा में लगेंगे तो ई एस नहीं लगता, और एक एक चीज़ की बात होगी तो ई एस लगेगा, तो द बस एक एक बस की बात हुई तो ई एस लग गया, और बसेस की बात हुई तो एक मतलब सिर्फ गो लगेगा। ही ईट, अब ही यानी वो कौन है, एक इंसान है तो ईट्स हो गया, एस लग गया। दे ईट, अब ये दे मतलब बहुत सारे लोग, वो तो ईट ईट लग गया, एस नहीं लगा। ही ट्राइज, अब ई कौन है, एक, वो एक इंसान की बात हो रही है तो ई एस लग गया। ट्राइज दे, अब दे कौन है, बहुत सारे लोग हैं तो ट्राई लग गया, एक ट्राई, ई एस लगाने की ज़रूरत नहीं है जब बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ वर्कर इन आर सोसाइटी, क्या क्या महत्व है, क्यों इम्पॉर्टेंट है वर्कर, वर्कर आर वेज नेसेसरी फॉर आर सोसाइटी और एंड फॉर आर सेल्फ, हमारे लिए भी ज़रूरी है और हमारी सोसाइटी के लिए भी बहुत ज़रूरी है वर्कर। वी कैन नॉट सर्वाइव आवर लाइफ, हम हमारी लाइफ सर्वाइव नहीं कर सकते बिना, विदाउट टीचर, डॉक्टर, पेरेंट्स, लेबर, सोल्जर, साइंटिस्ट एक्सेट्रा, बिना टीचर के, क्यों, टीचर अपन को ज्ञान देता है, डॉक्टर अपना इलाज करता है, पेरेंट्स अपना ख्याल रखते हैं, मजदूर अपने घर बनाते हैं, अपने घरों काम करते हैं, अपनी रोडों को साफ रखते हैं, सोल्जर अपने लिए अपना बचाव करते हैं, अपने लिए दूसरे देशों से लड़ते हैं, साइंटिस्ट नई नई खोज निकालते हैं, अपनी फैसिलिटी बढ़ाते हैं, आज मोबाइल है, एसी है, सब किसकी वजह से है, साइंटिस्ट की वजह से, तो ये इन सब के बिना हमारी लाइफ अधूरी है। दे मेड आर लाइफ ईजियर, वो हमारी लाइफ कैसी बनाते हैं, आसान बनाते हैं, एंड प्रोटेक्टफुल और सुरक्षित बनाते हैं, इसलिए जो वर्कर हैं वो हमारी सोसाइटी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ द पीपल हु हेल्प अस, को लिस्ट बनाओ जो हमारी मदद करता है, कौन, टीचर हमें ज्ञान देता है, आर्टिस्ट हमें इंटरटेन करते हैं, एक्टर वगैरह आर्टिस्ट, सोल्जर जो हमें प्रोटेक्ट करते हैं दूसरे देशों से, साइंटिस्ट जो हमारे लिए नई नई चीज़ें निकालते हैं, हमें हमारी लाइफ आसान कर रहे हैं, डॉक्टर जो हमारा इलाज करते हैं, हमारे बिजनेसमैन नए नए खोज करके हमारे देश को तरक्की देते हैं इसलिए वो भी हेल्प करते हैं, फार्मर वो हमें अनाज देते हैं इसलिए वो हमारी हेल्प करते हैं। हाँ, क्लीनर जो अपने देश की सफाई करते हैं, लीडर नेता हमारे देश की सेवा करते हैं, मैकेनिक जो हमारी कभी गाड़ियाँ ख़राब हो जाती हैं तो वो सही करते हैं, पेरेंट्स जो हमारा ख्याल रखते हैं, शॉपकीपर जो शॉप में अपने आपने को हाथों हाथ कोई भी चीज़ मिल जाती है हाथों से ही, वॉचमैन जो अपने घर का ख्याल रखते हैं, अपनी सोसाइटी का ख्याल रखते हैं, लेबर्स जो अपना घर बनाते हैं, अपनी रोडें अच्छी रखते हैं, शॉपकीपर पुलिसमैन जो हमारे मदद करते हैं क्राइम से हमें प्रोटेक्ट करते हैं, और मूवर जो हमें दूर दूर से चीज़ें ला के हमें हमारे घर पे ही मिल जाती है, जैसे कोई चीज़ है जैसे मोबाइल है वो दूर दूर देशों से आ रहा है, मैगी हुई, नूडल्स हुए, आटा हुआ, दूर दूर देशों से आते हैं, तो मूवर्स भी हमारी हेल्प करते हैं ये सब। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।